वेलकम टू बुफिश बाय सबीना काजी। आज हम बनाएंगे समोसे की शीट्स या स्प्रिंग रोल की शीट्स। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप्स सिफ्टेड मैदा, 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब हम मैदे में डालेंगे नमक, ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आटा हमने अच्छे से गूंद लिया है। हम लोग जो नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड हो गया ये। अब हम इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए कवर करके रख लेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसके 4 पोर्शंस लेंगे। और एक स्मूथ बॉल बना लेंगे। ऐसे हम 4 बनाएंगे। अब हम इनको हाथों से फैला लेंगे। छोटी छोटी रोटीज में। अब हम एक एक करके इनको बेलेंगे। हमको इसमें पहले हल्का सा फ्लावर लगाना है और इनको बेलना है। हम इसको इस थिकनेस में बेलेंगे चारों को। जैसे कि आपने देखा है मैंने चारों को एक साइज में बेला है ऑलमोस्ट। अब हम रोटी पे जेनरसली ऑयल ग्रीस करेंगे, स्पेशली कॉर्नर्स में। अब हम इस रोटी को मैदे की प्लेट में उल्टा करके अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमने जो 2 रोटियों पे मैदा और ऑयल लगाया है और 2 रोटी जो प्लेन है, अब हम एक प्लेन रोटी इस पे रख लेंगे और एक प्लेन रोटी इस पे रख लेंगे। अब हम 2-2 करके रोटियां बेल लेंगे। मैंने एक फाइन रोटी बेल ली है एकदम। अब हम इसको तवे पे सेक लेंगे। अब हम इसको 30 टू 35 सेकंड्स के लिए ईच साइड सेकेंगे। रोटी हमने उतार ली है। अब हमको रोटी को गरम में ही सेपरेट करना है। As you can see, sheet has come out very nice, thin है काफी। अब हम इसको ठंडा होने के बाद ही कट करेंगे। सारी शीट्स हमारी रेडी हो गई है। As you can see, ये बहुत पतली है। अब हम शीट्स को काटेंगे। ये हो गई आपकी स्प्रिंग रोल शीट्स। और अगर आपको समोसे की शीट्स चाहिए तो आप इन्हीं शीट्स को कट कर लो। और ये रेडी हो गई हमारी समोसे की शीट्स। हमारी स्प्रिंग रोल शीट्स और समोसे की शीट्स रेडी है। ये बहुत ही इजी है। इसमें आप बहुत सारा क्वांटिटी बना सकते हैं 2 कप मैदे में। इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा।